हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिनिया की सीडलिंग कैसे करते हैं और उसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको दिखाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ ही प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए ये देखिए, ये जीनिया का फ्लावर है, कितना सुंदर होता है। समर में जहाँ कलर्स की कमी हो जाती है तो जीनिया काफ़ी हद तक उसे पूरा करती है। जीनिया को हम लोग समर में डालिया या गुलदाउदी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा पॉटिंग सॉइल है, इसमें मैंने 40% गार्डन सॉइल ली है, 10% राइस हस्क ली है और 30% कंपोस्ट ली है, काउडंग मैन्योर या फिर गॉट मैन्योर या बर्मी कंपोस्ट, और 20% सैंड ली है, रिवर सैंड होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये सीड है जीनिया का, जो मैंने अपने जीनिया के पुराने सूखे हुए फूल से ही इसे प्लांट से ही लिया है। जब जीनिया का फूल पुराना सूख जाए, जैसे गेंदा का फूल होता है, तो जैसे गेंदा का फूल सूखने के बाद वो सीड बन जाता है, जीनिया ठीक उसी तरह से ही होता है। जीनिया के फूल ही उसके सीड हैं, कुछ नहीं करना है, बस सीड को बिखेर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, मिट्टी को इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया, जो पॉटिंग सॉल पॉटिंग मीडिया जो मैंने बताया, और उसमें पानी दे दी हूँ, अच्छे से मॉइश कर दी हूँ मैंने उसे, ताकि सीड को मॉइस्चर मिलता रहे, यम्मी मिलता रहे। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ नहीं करना है, बस सीड को ऐसे तोड़ देना है और ऐसे मिट्टी के ऊपर ऐसे बिखेर देना है। बहुत ही आसानी से ये प्रोपगेट होता है, जीनिया का सूखा हुआ फूल ही जीनिया का सीड होता है, बस ऐसे हम लोगों को मिट्टी ऐसे बिखेर देनी है। चारों तरफ से फैला देना है इक्वली। उसके बाद सूखी मिट्टी थोड़ा लेके मिट्टी को सीड के ऊपर ऐसे ढक देना, अच्छे से कवर कर देना है, थोड़ी सूखी सी मिट्टी लेकर। जहाँ जहाँ सीड दिख रहा हो तो वहाँ अच्छे से मिट्टी को ढक देना है। उसके बाद हम लोग को वाटरिंग कर देनी है, अच्छे से ढक दिया है मैंने इसे, मिट्टी की एक हल्की सी लेयर सीड के ऊपर देना है। कम से कम 4-5 दिन के अंदर ये सीड तैयार हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। गर्मियों में बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। फिर ये देखिए, वाटरिंग कर देना है इस तरह से, स्प्रेयर की मदद से भी आप लोग वाटरिंग कर सकते हैं। मैं इसी तरह हाथ से देती हूँ और इसको अच्छे से सनलाइट में रखना है, सनलाइट में ही रखने से अच्छा सीडलिंग तैयार होता है। ये मेरा देखिए कुछ इस तरह से, बस मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, जिसमें मैंने जीनिया लगाई हुई थी उसी पॉट में जीनिया का फूल को छींट दिया तो बिखेर दिया तो हो गया। और ये देखिए, मैंने जीनिया के सूखे फूल को इसमें भी वैसे बिखेर दिया था। तो ये देखिए, करीब ये 15 दिन के बाद का ये है सीडलिंग, कितना सुंदर से ग्रो हुआ है। और ये मेरा घर का ही सूखा हुआ फूल से मैंने इसे तैयार किया है, ये सीड मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, ये घर के ही सूखे फूलों की सीड से मैंने तैयार किया। तो चलिए, अब हम लोग इसको मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम लोगों को लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को एकदम नीचे से, मिट्टी के नीचे से प्लांट को निकालना है, खींच के ऊपर से नहीं निकालना, नहीं तो उसका टैप रूट टूट जाएगा तो फिर प्लांट मर जाएगा। उसका रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस तरह से देखिए, एकदम अंदर से
ये देखिए देखिए, इसका रूट बॉल के साथ ही ऐसे निकालना है। थोड़ा और रूट बॉल रहने से और अच्छा रहेगा। रूट देखिए कितना अच्छा से डेवलप हुआ, देखिए ये देखिए। तो मैं एक पॉट में 4 प्लांट लगाऊंगी तो अच्छा रहता है, पूरा घना घना दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है। एक पॉट में 4 प्लांट लगाऊंगी और इसको अभी आप कम से कम 4 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि जीनिया के प्लांट को रिपॉटिंग पसंद नहीं होता है। जैसे नेस्टेशियम होता है ना ठंड में, उसको रिपॉटिंग पसंद नहीं होता, उसी तरह जीनिया को भी रिपॉटिंग पसंद नहीं होता। जहाँ सीड दिया वहीं इसको ग्रो होना ज़्यादा पसंद होता, तो इसका रूट बॉल एकदम भी डिस्टर्ब ना करें, ये ख्याल रखिएगा। तो ऐसे देखिए मैंने रूट बॉल के साथ ही उसको मिट्टी में दबा दी है। एक पॉट में 4 लगाई हूँ, फिर काफ़ी है इसके लिए 4 इंच का पॉट या फिर 6 इंच का पॉट काफ़ी होता है। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट का ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी कलर वैरायटी में उपलब्ध होता है, कोई सिंगल पेटल होता है, कोई डबल पेटल होता है, कोई मल्टी पेटल होता है, और बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको प्रॉपर केयर करना पड़ता है। लेकिन गर्मी में हम लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। जिनिया कलर हम लोग के गार्डन में ऐड करता है, डालिया और गुलदाउदी का जगह लेता है समर में। तो ये देखिए मैंने प्लांट को लगा दिया है और वाटरिंग भी कर दी है। तो इस प्रकार आप भी करिए, सीड लगाइए घर में और प्लांट्स ग्रो करिए, हर जगह जिनिया ही जिनिया समर में लगाइए। और ये देखिए इस तरह से जिनिया का फूल हो जाता है, खिल जाता है। देखिए ये मेरा तो मैंने पहले लगाया था, अब ये प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सेकेंड फेज़ का प्लांट तैयार कर लिया है। तो मैं फिर से अभी अपने गार्डन में जिनिया को पूरा ऐड करती हूँ समर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से गार्डनिंग करिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।